के हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट साहब रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जी तिलरा जी सुनील प्रजापति जी जो उनका मान सम्मान करना है उनके साथ बातचीत करनी है ये अगर हम सबको किसी से सीखना है तो उसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो विशन दास जी है। मैं कहूँगा कि तालियों के साथ ऐसे लोग जो अपने समाज को एकजुटता क्या है दिखाते हैं और हर समय प्रयास में रहते हैं कि अपने समाज को कहीं ना कहीं किसी बारे से हम लोग एक जगह बैठ कर बातचीत करें हमारे समाज में क्या उचित चीज़ें हैं क्या करने वाला है ये सारी चीज़ें बैठ कर तय होती हैं। इस प्रकार हम लोग पूरे परिवार में बैठते हैं तो ठीक उसी प्रकार से ही ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये हर समय ऐसा प्रयास करते हैं अपने समाज को इकट्ठा रखने के लिए उनकी दुख तकलीफें जानने के लिए और पार्लियामेंट क्षेत्र का एक निवासी होने के नाते इस प्रकार चिंता जी और जितने भी हम लोग परिवार पार्लियामेंट क्षेत्र के रहने वाले हैं अरजिंदर जी हैं और भी पप्पू जी हैं इस क्षेत्र के रहने वाले हैं मुझे ठीक से याद है कि आप लोगों के प्रयास से ये बनाया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाकी OBC समाज की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 2014 के बाद जब आदरणीय मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर आई मोदी जी ने सबसे पहले एक ही बात कही थी सबका साथ और सबका विकास सबका विश्वास। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते ये जरूर कहूँगा कि मोदी जी ने जो कहा है वो हमेशा किया है
चाहे एससी समाज की बात करें, चाहे एसटी समाज की हम लोग बात करें, ओबीसी समाज की रिजर्वेशन की बात हर बैठक में हमारे जितने भी हमको सिखाया जाता है। और मुझे ये जानकर मैं बताना चाहूँगा कि हर बैठक में जब भी राइट प्लेटफॉर्म में बात रखने की बात होती है तो आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े ही दमदार तरीके से आपकी बात वहाँ पर रखते हैं। अरे ओके, क्या जाने वाले हम लोगों ने सोचा, हमारे समाज ने सोचा है, उसको भी कहीं ना कहीं जरूर